गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई। इसके पूर्व जिला परिषद कर्मचारियों की ओर से मुनिया देवी का स्वागत बुके देकर किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुनिया देवी ने कहा कि विगत 2 वर्ष में विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाया गया है। जिला परिषद को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचा विकास पहुंचे, इस उद्देश्य से जिला परिषद को का काम हो रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से मुनिया देवी ने बताया कि विगत 2 वर्षों से जिला परिषद गिरिडीह द्वारा लगभग 42,65,96,580 रुपये की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन संभव हो पाया है। विकास का घोषाल पूर्ण होने के बाद सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जिला परिषद सदस्य अरिता देवी जी, जिला परिषद सदस्य पुष्पान जी, सभी मोहन जी, सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे जिला वेता है सर, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2 साल हम लोग का पूर्ण हो गया है, बहुत अच्छे से हम लोग का 2 साल पूर्ण हो गया है। और काम जो हम लोग अभी किए हैं तो लगभग हम लोग 42 करोड़ का भी काम हम लोग जिला में कर चुके हैं। हमारी पंचायत भवन, जितने भी 4 दीवारी बहुत जगह कमी थी वो भी पूरा हो गया है। अभी 4 दीवारी का पंचायत भवन का 4 दीवारी का अभी टेंडर हो गया है, इसका भी काम शुरू होने वाला है। और जहाँ भी पंचायत भवन नहीं था उसका भी टेंडर हो गया है, अब 1 सप्ताह के बाद ये भी काम शुरू होने वाला है। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र है,